यस स्टूडेंट्स, नाउ वी विल डिस्कस द एजम्पशंस ऑफ मैस्लोज थ्योरी. इट मीन्स द थ्योरी विच इज़ गिवन बाय द अब्राहम मैस्लो, विच इज़ कंसिडर्ड एज मैस्लोज नीड हायरार्की थ्योरी ऑफ मोटिवेशन. नाउ दिस थ्योरी इज बेस्ड ऑन वेरियस अजम्पशंस. वॉट आर दीज अजम्पशंस? फर्स्ट अजम्पशन इज पीपल्स नीड आर इन हायरार्कियल ऑर्डर, कि लोगों की जो नीड्स हैं वो किस में होती हैं? हायरार्कियल ऑर्डर में. हायरार्कियल ऑर्डर में मीन सीक्वेंस में. सबसे पहले स्टार्ट कहाँ से होती हैं आपकी? बेसिक नीड्स से. फिर इसके बाद ये जो हैं अदर हायर लेवल नीड्स तक आप तब पहुँचते हो. पहले आप अपनी बेसिक नीड सेटिस्फाई करोगे, फिर अपनी सिक्योरिटी नीड सेटिस्फाई करोगे, उसके बाद अपनी एफिलिएशन नीड, उसके बाद एस्टीम नीड्स, उसके बाद सेल्फ एक्चुअलाइजेशन. तो इस तरह से लोगों की नीड्स जो हैं किस में होती हैं? हायरार्कियल ऑर्डर में. एक नीड को सेटिस्फाई करने के बाद ही आप दूसरी नीड की तरफ जाते हो. नंबर टू, पीपल्स बिहेवियर इज बेस्ड ऑन देयर नीड्स, कि लोगों का बिहेवियर उनकी नीड पर डिपेंड करता है. अगर आपकी एक नीड सेटिस्फाई हो जाती है, ठीक है, तो वो आपके बिहेवियर को जो है और आगे जनरली अफेक्ट नहीं करती, इन्फ्लुएंस नहीं करती. तो इन्होंने ये कहा जब आपकी एक नीड जो है सेटिस्फाई नहीं होती, तभी वो आपको मोटिवेट करती है काम को करने के लिए. तो लोगों का बिहेवियर उनकी नीड पर डिपेंड करता है. नाउ थर्ड, जैसे कि हमने कहा था, अगर आप प्रमोशन चाहते हो तभी आप अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करोगे, लेकिन अगर आप प्रमोशन नहीं चाहते, आपकी प्रमोशन की नीड ही नहीं है, तो आप अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव नहीं करोगे. थर्ड इज़ असेटिस्फाइड नीड कैन नो लॉन्गर मोटिवेट अ पर्सन ओनली नेक्स्ट हायर लेवल नीड कैन मोटिवेट हिम. केवल नई हायर लेवल नीड ही मोटिवेट उन्हें कर सकती है. मान लो आपको जब भूख लगी थी बहुत तेज, ठीक है, तो आप जो है आपके पास आपका दो दोस्त होता है, आपके पास पैसे नहीं थे, लेकिन आपका दोस्त कहता है ठीक है मैं तुझे जो है अभी बर्गर खिला दूंगा, मेरे पास पैसे हैं, लेकिन तुम्हें मेरी एज जो है 4 पेज लिखने होंगे. तो आप क्या करते हो? रेडी हो जाते हो, उसके 4 पेज लिख देते हो फटाफट, नहीं तो चलो मेरे को बर्गर खिला के लाओ, क्योंकि आपकी नीड अनसेटिस्फाइड थी. लेकिन अब आप जो है पहले से अच्छे से तीन चार जो भी बर्गर खा पी के बैठे हो, पेट आपका फुल है. अब ये पर्सन फिर कहता है तुम्हारे पास कि भाई चल मैं तुम्हें जो है बर्गर खिला के लाता हूँ, मेरे 4 पेज लिख दो. तो अब क्या आप उसके लिखने तैयार हो गए? बोले नहीं नहीं, अब तो मैं ही तेरे को खिला लाता हूँ, मेरा पेट तो फुल है, मुझे भूख नहीं है, मैं नहीं करूँगा तेरा काम. तो उन्होंने ये कहा कि एक सेटिस्फाइड नीड अब लोगों को मोटिवेट नहीं करती, केवल नेक्स्ट हाई लेवल नीड ही, जब उनकी कोई और नीड होगी वही उसे मोटिवेट कर सकती है पर्टिकुलर वर्क को करने के लिए. तो नेक्स्ट वन इज अ पर्सन मूव्स टू द नेक्स्ट हायर लेवल ऑफ हायरार्की ओनली व्हेन द लोअर लेवल नीड इज सेटिस्फाइड. कहता है एक पर्सन हायर लेवल की तरफ तभी जाता है जब उसकी लोअर लेवल की नीड सेटिस्फाई हो जाती है. मान लो अभी आपके पास रोटी कपड़ा मकान वगैरह कुछ नहीं था, ठीक है, अब जो है आपकी जब ये नीड ही सेटिस्फाई नहीं हुई तो आपकी दूसरी सिक्योरिटी नीड तो सेटिस्फाई हो ही नहीं सकती. तुम्हारे पास इसी चीज़ के लिए पैसे नहीं है, तो तुम्हारी जॉब क्या सिक्योर होगी? तुम्हारे पास जो आगे और तुम अपने मेडिकल एक्सपेंसेस कैसे बियर करोगे? जब तुम्हारे पास यही नीड सेटिस्फाई नहीं हो रही, इतना ही पैसा नहीं है, तो कोई जल्दी से तुम्हारे फ्रेंड्स बनने के लिए रेडी नहीं होगा. जब फिर आपको कोई प्रमोशन नहीं मिल रही, कोई कुछ नहीं मिल रहा, ना कोई रैंक है ना अथॉरिटी है. तो एक जो आपकी जब पहली फर्स्ट लेवल की नीड जब ये सेटिस्फाई हो जाती हैं, देन तभी आप जो है ऊपर के लेवल की तरफ जाते हो. देन योर हायर लेवल नीड्स आर सेटिस्फाइड. सो दीज आर द 4 अजम्पशंस ऑफ मैस्लोज थ्योरी.